जिनके भी हाथ में माइक है कृपया मोबाइल लेके जो लोग बैठे हो मोबाइल बंद कर दे तो बेहतर होगा। शब्द कभी छंद कभी गीत लिखा मैंने, भाव कभी द्वंद कभी प्रीत लिखा मैंने, पीढ़ियों के बीच कभी डोर बनी मैं, इंकलाब खबर कभी शोर बनी मैं, कथक अगर लिख भाग्य लिखा मैंने, तुलसी के हाथों महाकाव्य लिखा मैंने, आज की पीढ़ी मुझसे दूर जा रही है और कलम अपनी पीड़ा तुम्हें यहाँ सुना रही है। कलम का पर्याय अगर कोई है तुम्हारे गुरु जी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं जब भी सुबह आता हूँ विद्यालय के लिए मैं अग्रसर होता हूँ तो अपने टेबल पे दो चीजें मैं पाता हूँ, एक मोबाइल और एक कलम। और अधिकतर ऐसा होता है कि मोबाइल जो है मेरे पॉकेट में आ जाता है, कलम वहीं छूट जाता है। तो कलम की अलग पीड़ा है। ये व्हाट्सएप का दौर चल रहा है, आप किसी को भी देखिए व्हाट्सएप में ही मशगूल रहता है। उस पर मेरी एक रचना है और मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि आप लोग इसी मशगूल मुझे दिख रहे हैं कि वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो पांचवू वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन क्यों शाइन बाग गई थी, वो बाप की नियत नहीं सही थी, वो मिर्चा संग नीम से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा, इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, इस स्थिति विश्व का भैया व्हाट्सएप ही कारण होगा। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखें, पत्नी को मनाना संभव नहीं है। अभी हाल ही की घटना में बता रहा हूँ कि सांस्कृतिक संकुल में मेला लगा हुआ था, मेरी पत्नी गई वहां पे शॉपिंग उन्होंने की, रात में आई तो कह रही मेरा वहां पे पर्स छूट गया है। हमके अभी तो बंद हो गया होगा, तो उन्होंने कहा नहीं आप कल ले आइएगा। हमके किस दुकान में छूटा था, तो कहीं कोने में लेमन जूस की दुकान, उसके बगल में साड़ी की दुकान है वहीं पे छूटा था। हमके बहुत साड़ियां की दुकान है, कैसे कुछ आप आइडेंटिफिकेशन बताइए साड़ी की दुकान वाले का, कहीं वो बड़ा टिनटिनाहा था। हमके अच्छा ठीक है। हम सवेरा वहां पे पहुंचे, दुकान वाले से पूछे भाई साहब ये साड़ी की दुकान है, तो कह रहा है दिख नहीं रहा है आपको, समझ के टिनटिनाहा पहली प्रॉपर्टी। भैया ये बताइए मेरी पत्नी का लाइन थी, उन्होंने साड़ी खरीदी उनका पर्स छूट गया था, कह रहे सबकी पत्नियां ही तो आती हैं, इसमें नया क्या है। हमने मोबाइल निकाला उनको फोटो दिखाया, कह रहा है भैया कोविड का दौर है मास्क लगाना है, सबने मास्क लगाया हुआ, कैसे पहचाने कैसे माने। हम परेशान, हम कह भैया ये बताइए कल दिन भर में ऐसा कभी हुआ था कोई महिला आई हो और आपका मन क्या हो कि दुकान को फूंक दे। क्या एक महिला आई थी, हम कह भैया वही मेरी पत्नी थी। केजरीवाल जी में कौन ज्यादा बढ़िया है, वो कैंसर का इलाज खड़ा धनिया है, इन वाहियात खबरों का कैसे निवारण होगा, स्थिति विश्व का व्हाट्सएप ही कारण होगा। अगर मान लीजिए द्वापर में होता तो क्या होता, द्वापर में होता तो महाभारत इसी के कारण होता, शिशुपाल और शकुनी का ये सजीव उदाहरण होता, पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता, मोबाइल छीना जाता न कि अज्ञातवास के लिए कोई जंगल होता, कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते वो 16,000 ग्रुप में ज्वाइन रहते, और खबरें कैसी फैलती, कान्हा की डीपी अर्जुन संग दिखी है, वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए नई विल लिखी है, वो दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है, वो शस्त्र ज्ञान जोड़ के लिए धंधा है, और कर्ण अछूत है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है, एकलव ने ड्रोन का फोन अलग से लिया है, उस युग में भी इसका असर असाधारण होता और महाभारत का भी व्हाट्सएप ही कारण होता, और अंतिम दो पंक्तियां हैं कि कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडव का उद्धार किया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता पांडव का उद्धार किया होता।